ब्रेकिंग न्यूज, डबरा अंचल का किसान परेशान। डबरा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने नई की धान की खरीदी। व्यापारियों का कहना है सरकार दे टैक्स में छूट। किसानों ने धान की ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सड़क पर लगा जाम। पिछले दो हफ्ते से डबरा कृषि उपज मंडी पड़ी हुई है बंद। पहले मंडी कर्मचारी एवं मंडी बोर्ड के कर्मचारी कर चुके हैं हड़ताल। कृषि उपज मंडी डबरा के धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं किसान। मंडी बंद होने से किसान की बड़ी समस्याएं। किसानों की धान की फसल 25% से अधिक कट चुकी है। भारी संख्या में किसान मंडी में धान की फसल लेकर पहुंच रहा है। कृषि उपज मंडी के गेट को बंद कर रहे हैं आंदोलन। किसानों का आरोप, व्यापारी लगा रहे हैं धान के कम। व्यापारी संघ सदस्य डबरा से सुनील सिंह राजावत की रिपोर्ट। और साथ ही साथ व्यापारियों पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? किसान का कहना है कि धान मंडी बिक रही है 2500-3000 बिकना चाहिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में बाजार, चाहे वो कोरोना की वजह से समझे या किसी भी बाहर माल, हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में भाव डाउन है। चावल हमारा जो 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो बिकता था, वो आज की डेट में शायद 40-42 रुपये बिक रहा था। आज किस लोग को, किस बातों को लेकर किसानों ने हड़ताल करा? आज कोई हड़ताल का कोई कारण नहीं था। आज वैसे आज विवाद ये था सर कि हमारे व्यापारी भाई कुछ मॉडल एक्ट के समर्थन में है और मंडी टैक्स के विरोध में थे। जो हमारे यहाँ 1.70 रुपये मंडी शुल्क लगता है, वो अन्य प्रांतों में जैसे हरियाणा में 4 रुपये लगता था, वहाँ 1 रुपये कर दिया गया। पंजाब में 3 रुपये लगता था, वहाँ भी 1 कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 2 रुपये या 3 रुपये लगता था, वहाँ भी 1 रुपये कर दिया है। तो हमारे व्यापारियों की डिमांड थी, हमारे व्यापार संघ इंदौर वालों की, दलन संघ के, वो बहुत बड़ा महासंघ है पूरे मध्य प्रदेश का। तो उनकी डिमांड थी कि हमको 50 पैसे मंडी शुल्क कर दिया जाए। मॉडल एक्ट के अंतर्गत तो मंडी शुल्क पूरा खत्म कर दिया गया है, लेकिन हम ये चाहते थे कि मंडी प्रांगण भी जीवित रहे और पैरेलल व्यवस्था चले। और शासन की भी मनसा यही है कि मंडी प्रांगण भी चलते रहे और बाहर भी चलता रहे। तो आप ये मानते हैं आज मैं नहीं मिल रहा, लागत से भी कम मूल्य मिल रहा है यहाँ? कितना मूल्य मिल रहा है यहाँ पर? 1700 के समथिंग मिल रहा है, 1600 और 1700, जो कि वास्तविक लागत हमारी जाना लग गई, ना कि उसका भाव मिल रहा है। आगे क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? आपने जाम भी लगा दिया, जाम कब तक खुलवाएंगे आप? जाम जब तक हमारी प्रशासनिक से कोई बात नहीं होती, हमारा जाम नहीं खुलेगा। अभी कोई आया आपके पास बात करने? हाँ, अभी हमारे पास मंडी बोर्ड के एक सचिव आए और यहाँ के प्रशासनिक जैसे TI साहब आए, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा 1 घंटे के व्यापारी वर्ग आ रहा है 1 घंटे में। हम व्यापारी वर्ग और आप दोनों की बातचीत आमने सामने करा। जब तक जाम आपके बाहर लगा है, उन्होंने कुछ कहा जाम खुलवाने के लिए कि जाम खुलवाइए? वाहनों की कतारें लग गई है दोनों ओर से। उन्होंने